स्वागत है माँ की रसोई में। आज हम बना रहे हैं सेहत से भरपूर लाल साग। आज हम आसान रेसिपी से बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वागत है माँ की रसोई में। आज हम लाल साग बनाने जा रहे हैं। आई बृहस्पति है, बृहस्पति के दिन लाल साग बनाना शुभ होता है, तो हम आई लाल साग बनाएंगे। साग तोड़ना बहुत मुश्किल है, एक एक करके साफ करना पड़ता है। कीड़ा उड़ा रहता है, ज़्यादातर गंदा रहता है, कीड़ा रहता है, तो एक एक करके साफ से धूप तोड़ के तब धोना पड़ता है, उसके बाद बनाएंगे। साग बहुत पौष्टिक होता है, कोई भी साग हो पौष्टिक हेल्दी होता है, खाना चाहिए और बृहस्पति के दिन जरूर खाना चाहिए साग। अभी इसको एक एक करके सब चुन रहे हैं, काट रहे हैं, चुनेंगे सब एक एक करके। बहुत गंदा रहता है, एक मेहनत लगता है चुनने में ही, बनाने में तो उतना मेहनत नहीं लगता, लेकिन इसको तोड़ने और साफ करने में ही मेहनत लगता है। तो कीड़ा उड़ा देख लेना पड़ता है, गंदगी देख लेना पड़ता है, तो अभी तोड़ ही रहे हैं। तोड़ेंगे उसके बाद इसको साफ से धोएंगे, फिर बनाएंगे। देखिए साग तोड़ लिए हैं, अब इसको काट देते हैं चक्कू से। अच्छे से काट लेना, काट लेना। साग कोई छोटा छोटा काटने का नहीं है, बड़ा बड़ा ही काट लेते हैं, ताकि आसानी से पक जाता है, बढ़िया से साग भुना जाता है और पक जाता है। बारीक काटने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा पीस काट लेना। इस तरह सारा साग काट लेंगे। साग को साफ से धो लेते हैं, चार बार पांच बार पानी से बढ़िया से, ताकि इसमें किनकिनाहट ना रहे, गंदा ना लगे। साफ से धुला जाएगा तो बढ़िया सा मट्टी भी रहता है, तो किनकिन लगता है नहीं कम धोने से। ये साफ से इसको चार बार पांच बार पानी से बढ़िया से धो लेते हैं। अब बनाएंगे धोके, कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। एक लहसुन दिए हैं, बड़ा सा लहसुन कोट उसको महीने का कर दिए हैं, और थोड़ा सा एक फाँक प्याज भी ले लिए हैं। तीन चार लाल मिर्च, डंटी तोड़ के लाल मिर्च तीन चार पीस काट दिए हैं, तोड़ के डाल दिए हैं। लहसुन मिर्च बढ़िया से भूनी लेते हैं सुनहरा होने से, इसका कच्चापन नहीं रहे। जितने ज़्यादा लहसुन पड़ता है उतना ही स्वादिष्ट साग बनता है। लाल साग में ज़्यादा ही लहसुन डाला जाता है, हम लोग ज़्यादा ही डालते हैं। लाल साग चावल के साथ ही अच्छा लगता है। अच्छा हो गया है, अब इसमें साग डालेंगे। लहसुन को भून दिए, देखिए सुनहरा हो गया है, और इसमें साग मिला देता है। अंदाज से थोड़ा सा नमक साग डल जाएगा, ये ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको ढक देते हैं, पानी डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप पानी छोड़ देगा और उसी में पक जाएगा। देखिए साग गल गया है बढ़िया से, तो पानी उन्हें नहीं डाले थे, पानी साग ही पानी छोड़ दिया था, इसमें पक गया है। और इसको जो जड़ा मना पानी है उसको सुखा के सुखा देना है। साग तैयार, कितना बढ़िया गल गया है।
उसको भूजते हुए पानी सुखा देना है। पानी रहने से पनापन शोर हो जाएगा, पानी का स्वाद आ जाएगा। वहाँ से पानी सुखाते हैं, साग बन गया, पानी बढ़िया से सूख गया।